हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है राहुल बेस्ट और आज हम बनाएंगे कोलकाता स्टाइल चिकन बिरयानी और इसमें जो है आलू और अंडा भी यूज करेंगे। सो ये रेसिपी जो है मैंने अपने बंगाली फ्रेंड्स के साथ ट्राई करी थी, वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इस रेसिपी को और मुझे भी काफी यूनिक टेस्ट लगा था इसका। वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसके कुकिंग प्रोसेस को। सबसे पहले आपने जो है अंडे बॉईल करने के लिए रखने हैं, जितने आप बिरयानी में ऐड करना चाहो, 4 या 5। अंडे बॉईल करने के बाद आपने उसको छीलना है। एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे मैं आपके साथ एक मेथड शेयर कर रहा हूँ। छीलते वक्त अंडे को हल्के सा नीचे मार के उसे रोल कर लेना है, तो ये करने से आपके अंडे के छिलके जो है आराम से निकल जाते हैं। उसके बाद आपने एक कढ़ाई में तेल रखना है और लो फ्लेम में उसको हीट होने देना है। जैसे ही तेल हीट हो जाएगा तब आपने उसमें अंडों को ऐड करना है एक एक करके। अंडे ऐड करने के बाद उसको जो है चलाते रहना है जब तक उसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं आता। जैसे उसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद आपके सारे अंडे फ्राई हो जाएंगे, तो आपने उसे साइड कर देना है। फिर आलू को जो है पील करना है। आलू को पील करने के बाद उसे 1/3 या 1/4 कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद सेम तेल में आलू को भी जो फ्राई कर लेना है जब तक उसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं आता। जैसे उसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब आपने आलू भी साइड कर देने हैं। फिर आपने जो है 3 बड़े साइज के प्याज पील करना है और उनको जो है फाइन स्लाइस कट करना है। उससे जो है आपके प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन होंगे। और सेम तेल में आपने जो है प्याज को भी ऐड करना है और उसको चलाते रहना है जब तक उसमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता। जैसे उसमें गोल्डन ब्राउन कलर जाएगा तब आपने सारे प्याज निकाल लेने हैं। और फिर उसके बाद आपने ये प्रोसेस करना है। सबसे पहले केसर लेना है एक बॉल में, साथ में पानी और केवड़ा, ये तीनों चीजें मिक्स करके आपने साइड कर देना है। ये आपका नेचुरल बिरयानी कलर होगा। और उसके बाद आपने जो है एक बॉल में खड़े मसाले लेने हैं, दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता, जावित्री, शाही जीरा, काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीजें आपने एक पैन में ऐड करनी है और उसको जो है टॉस कर लेना है। टॉस करते वक्त आपके मसाले जो है ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद आपने उसे साइड कर देना है। जार में जो है मसाले ऐड करने हैं और उसको फाइन पाउडर बना देना है। आपका बिरयानी मसाला भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक कढ़ाई में घी ऐड करना है, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और फिर उसमें जो है प्याज ऐड कर देने हैं और साथ में खड़े मसाले, जावित्री, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग, ये सारी चीजें ऐड करके प्याज को जो है कुक करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। जैसे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, इन सब का फाइन पेस्ट बना के ऐड कर देना है और इनको भी जो है 2 से 3 मिनट कुक कर लेना है। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद इसमें चिकन ऐड करना है, साथ में नमक, देगी मिर्च, और फिर चिकन को आपने भून लेना है मसाले के साथ 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट भुनने के बाद इसमें पानी ऐड करना है, साथ में दही और बिरयानी मसाला जो आपने बना के रखा था और आलू फ्राई किए हुए, और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद को जो है पकने के लिए छोड़ देना है 8 से 10 मिनट लो फ्लेम में ढक्कन लगा के। साइड टू साइड आपने जो है चावल को सोक करने के लिए रख देना है। यहाँ पे मैंने जो है बासमती राइस लिए है और उसमें पानी ऐड करके उसे भीगने के लिए छोड़ दिया था। और बिरयानी का पानी रखना है, उसके लिए आपने इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, शाही जीरा, नमक और नींबू का रस, ये सारी चीजें पानी में ऐड कर देने हैं और पानी को बॉईल होने देना है। बॉईल होने के बाद उसमें सोक किए हुए राइस ऐड करने हैं और उसको जो है 70-80% कुक कर लेना है। कुक करने के बाद उसको स्ट्रेन कर देना है। अब यहाँ पे 8 से 10 मिनट जो चिकन पकने के लिए रखा था वो आपका जो है 70-80% कुक हो चुका होगा, तो आपने उसकी क्वांटिटी जो है आधी कर देनी है। नीचे हल्की सी ग्रेवी छोड़नी है क्योंकि आपका बिरयानी जो है नीचे से जलेगी नहीं, तो इसलिए नीचे आपने जो है थोड़ा सा ग्रेवी वाला पार्ट छोड़ना है। जो आपने 80% राइस कुक करके रखे थे वो सारे ऐड करने हैं, एक लेयरिंग लगानी है। उसके बाद आपने चिकन के जो पीसेस आपने निकाले थे वो भी ऐड करने हैं, फिर उसमें दोबारा लेयरिंग लगानी है। अब यहाँ पे जो आपने अंडे फ्राई करके रखे थे स्टार्टिंग में, वो अंडे आपने एकदम टॉप में फिल करने हैं। फिल करने के बाद उसमें केसर का पानी, ब्राउन किए हुए प्याज, किशमिश, यहाँ पे मेरे पास 2 चीजें अवेलेबल नहीं थी, आलू बुखारा और खोया, तो उसकी जगह मैंने किशमिश ऐड करा है लेयरिंग पे, साथ में बिरयानी का मसाला और ऊपर से घी। फिर इसमें जो है साइडों में मैंने आटे की लेयरिंग लगाई है। आटे की लेयरिंग लगाने के बाद इसमें ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था लो मीडियम फ्लेम में। 5 मिनट पकाने के बाद तवा लगा दिया था, फिर बिरयानी हमारी अच्छे से तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद इसे चाकू की मदद से खोल के देख सकते हैं कितनी प्यारी बिरयानी एकदम खिल के तैयार हुई है। सारे चावल एकदम सेपरेट है। अब यहाँ पे जो है मैंने साइड बाय साइड चटनी भी तैयार करी थी इसकी। धनिया, मिंट, अदरक, इन सबको जो है रफली कट करके पानी में धोने के लिए रख देना है। एक मिक्सी लेनी है, उसमें हरी मिर्च और ये जो आपने धनिया, अदरक, पुदीना ऐड करना है, साथ में नींबू, और फिर इसका जो है फाइन पेस्ट बना लेना है।
पेस्ट को फिर आपने एक बॉल में ऐड करना है, साथ में उसमें दही, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, नमक, ये चीजें ऐड करनी है। नमक की जगह आप चाहे तो काला नमक भी यूज कर सकते हैं। और फिर इन सबको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मिंट चटनी भी तैयार हो जाएगी। फिर आपने एक प्लेट में बिरयानी सर्व करनी है, साथ में ऊपर से उसमें जो है ब्राउन अनियन की गार्निश करनी है, और आपका जो आपने चिकन करी बनाई थी उसमें जो ग्रेवी बची थी वो, और साथ में मिंट की चटनी, इसे सर्व करके एंजॉय करें। शेयर करो अपने उन सभी दोस्तों को जो बिरयानी बहुत पसंद करते हैं। सो अगर आपको और भी स्टाइल में बिरयानी की रेसिपी चाहिए जैसे मुरादाबादी या हैदराबादी, तो कमेंट करना अपनी फेवरेट रेसिपी। तो जैसे ही हम इसमें 100 कमेंट क्रॉस होएंगे तो मैं उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।